नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, बहुत से साथियों के और मेरे प्यारे प्यारे मित्रों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर, हम DSSV का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो इसमें जो आपको पोस्ट दी गई है, 6215 है, 8417 है और 8617 है। तो आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट जे वार्डर वाले हैं, वार्डर यानी कि ओनली मेल के लिए ये वैकेंसी निकली थी 2017 में, 11वें मंथ 2017 में ये वैकेंसी निकली थी, और इसमें ओनली मेल्स के लिए अप्लाई मांगा था। तो फ्रेंड्स, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इसी साइट से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ है, फर्स्ट टायर एग्ज़ाम, फर्स्ट टायर PT स्किल टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्चिंग आ जाएगा और आपके सामने खुल करके ये आपके सामने खुल करके ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। क्या क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सिक्योरिटी यानी कि पासवर्ड डालना है आपको। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ से होम पेज पर जाना है। यहाँ पर आपको होम पेज दिया गया है तो होम पेज पे क्लिक कर देना है, और होम पेज पे क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। और आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये दिए जो गए हैं, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड, ये जो आपको फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जस्ट ये स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, ईयर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद 10th का जो रोल नंबर है वो डालना है, और यहाँ पर कौन से सन में की थी हाई स्कूल वो डालनी है। उसके बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी मोबाइल जो नंबर इस पर जुड़ा है उस पर एक OTP आ जाएगा, और उसे आप उसमें डाल देना। उसके बाद आपका न्यू पासवर्ड के लिए रीसेट मांगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप उसमें नया पासवर्ड डाल देना और अपना आगे फिर से वही प्रक्रिया दोहरा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, यही बताना था आपको। अगर आपका एडमिट कार्ड आप खुद से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं और मैं आपको ऐप का एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही बताना था आपको। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।